हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हम खारदुंगला पास होकर खालसर होते हुए यहाँ पे पहुँच गए थे, जहाँ पे हमने ये स्तूपा देखे थे, और जहाँ से एक रास्ता सीधा सियाचिन की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जाता है दोस्तों हुंदर की तरफ। तो अभी हम बढ़ चले दोस्तों हुंदर की तरफ, और अभी 3:10 हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, रोड टू लद्दाख का सफ़र जारी रखते हैं। और दोस्तों अभी हम ये जो पहुंच रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी। ये जो पॉइंट है इसका नाम है मिल्खा पॉइंट। तो इसके पीछे एक कहानी है कि मिल्खा पॉइंट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था उसकी शूटिंग दोस्तों यहीं पर हुई थी, जहाँ पर फरहान अख्तर इस तरह से टायर बांध के चलते रहते और उनके जो कोच है यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो उसकी जो शूट है पूरी यहाँ पर हुई है। तो मैंने थोड़े से उसके जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी आपके लिए निकाले, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे किस तरह से ये शूट हुआ था। और यहाँ पर अभी एक मिल्खा पॉइंट नाम का कैफ़े भी है, और उसके साथ यहाँ पर आपको एटीवी राइड की भी सुविधा मिल जाती है। तो आप चाहो तो यहाँ पर कुछ एडवेंचर का भी आनंद ले सकते हो। फिलहाल अभी हम यहाँ पर नहीं रुक रहे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, तो अभी हम अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए एक ड्रोन शॉट कैप्चर किया है, ताकि आप इस खूबसूरत लोकेशन का आनंद ले सको। वाकई में दोस्तों ये जो पूरी लोकेशन है ये बिल्कुल एक रेगिस्तान के जैसी दिखती है, और इसीलिए इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। और अभी जो रास्ता है दोस्तों ये ऊपर पहाड़ी से होते हुए आगे वैली की तरफ जाता है, और वही जो पूरी वैली है ये नुब्रा वैली है। और यहाँ पे कई सारे ऐसे ATVs और जिप लाइन के काउंटर्स बने हुए हैं, और यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी बहुत सारी होती है। तो अभी रिटर्न में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इंक्वायरी करेंगे कि यहाँ पर क्या चार्जेस है, और इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर एशिया की जो है सबसे लंबी जिप लाइन भी है, तो वो सब आपको हम रिटर्न में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो आपको पूरा रास्ता दिख रहा है उसी से होके हम आए हैं, और अभी ऊपर आए हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी छांव है, बहुत कड़क धूप थी। और यहाँ पर एक दुर्गा माता का मंदिर है और एक वाटरफॉल है, तो यहाँ पर कुछ लोग खाना वाना भी बना रहे हैं। ऊपर से ऐसे पानी आ रहा है, बहुत अच्छा लोकेशन है, और लोगों ने तो अपना गैस वैस निकाल के खाना बनाना शुरू कर दिया है, और यहाँ से ये पूरा पानी जा रहा है। सिर्फ इतने पार्ट में ही ग्रीनरी है, क्योंकि ये पानी जो आ रहा है उस वजह से यहाँ पे हरियाली है, बाकी आप देखोगे तो आपको ज़्यादा हरियाली नहीं दिखाई देगी। और रोड के साइड में दोस्तों ये जगह भी अच्छी थी, अगर कुछ जुगाड़ नहीं हुआ तो रात को यहाँ पे भी आके कैंपिंग कर सकते हैं। लेकिन चलिए पहले यहाँ पे माता जी के दर्शन कर लेते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। तो देख सकते हो आप, ये अंदर दुर्गा माता जी की मूर्ति है। और वैसे तो दोस्तों अभी सिर्फ 3:30 ही बजे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं, और फिर धूप थोड़ी शांत होगी तो निकलते हैं। और वहीं करीबन 1 घंटा बैठने के बाद दोस्तों हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि अभी आगे हमें डिस्किट जाना था, और डिस्किट में जो बुद्धा स्टैचू है वहाँ पर भी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला था, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि अच्छे से वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करूँगा, और वहाँ पे ड्रोन भी उड़ाना था, तो उस वजह से अगर थोड़ी लाइट रहेगी और जल्दी पहुँच जाएंगे तो ही अच्छा है, वरना फिर अंधेरे में ड्रोन शॉट इतने अच्छे से मिलेंगे नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, अभी सामने की तरफ आपको जो पूरा माउंटेन दिख रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग डिस्किट पहुँचने वाले हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह से रोड के साइड में ही है, और यहाँ पे ये खूबसूरत पहाड़ है। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि कई लोगों को ये शायद पहाड़ बंजर लगेंगे, लेकिन खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। और अभी शायद आपको भी थोड़ा सा बुद्धा का जो स्टैचू है उसका टॉप दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा रहा हूँ। और धीरे धीरे अभी ग्रीनरी भी शुरू हो गई है, क्योंकि अभी हम लोग जो है ये श्योक रिवर के वैली में है, हमारी राइट साइड में श्योक रिवर है, तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है। और वहीं जब हमारी नज़र गई, हमारी लेफ्ट साइड में एक गेट जैसा था जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, और एक रास्ता जो सीधा आगे की तरफ जा रहा है, और ये जो रास्ता है ये आपको हुंदर लेके जाएगा।
और यदि आपको डिस्किट मोनेस्ट्री जाना है तो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट में टर्न लेना है, जहाँ से अभी ये बाइक खड़ी हुई है, और इस गेट को क्रॉस करते हुए आपको जाना है। तो अभी जो समय था दोस्तों, ये अभी करीबन 4:20 हुए थे, और अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ के ये मेन गेट से, जिससे होते अभी हमें ऊपर थोड़ा सा चढ़ाई करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको थोड़ा सा ही ऊपर जाना होगा। और ऊपर जाते जाते आप इस खूबसूरत वैली के भी नज़ारे इंजॉय कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सड़क भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे आपको गाड़ी चलाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, तो हमारे साइड में यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे स्तूपा बने हुए थे, और जो सूरज था वो बिल्कुल अभी सनसेट होने वाला था, क्योंकि पहाड़ों में सनसेट जल्दी हो जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे स्तूपा बने हुए हैं, और आपको सामने पहाड़ के ऊपर जो दिख रहा है वो डिस्किट मोनेस्ट्री है, और हमारे लेफ्ट साइड में आपको छोटा सा एक टॉप दिख रहा है, वही यहाँ का बुद्धा स्टैचू है। और ये लीजिए दोस्तों, आ गया यहाँ का ये मुख्य प्रवेश द्वार, जिससे होते हुए आप इस मोनेस्ट्री में प्रवेश करते हो। और यहाँ पे आते ही दोस्तों, ये सामने की तरफ टिकट काउंटर है, जहाँ से आपको टिकट खरीदनी होती है। और यहाँ पे प्रवेश करने के लिए दोस्तों आपको 40 रुपये का एक टिकट लेना होता है। और वहीं पे दोस्तों मैंने देखा तो यहाँ पे रेड कलर में नोटिस लिखा हुआ था कि ड्रोन प्रोहिबिटेड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये सुन के कि यहाँ पे ड्रोन बैन किया हुआ है। देखिए सामने की तरफ आपको लाल कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि ड्रोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और ये टिकट है दोस्तों, 40 रुपये का एंट्री टिकट। झूले और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर यात्रियों के लिए रूम्स भी है, क्योंकि यहीं पर टिकट काउंटर पे बोर्ड लगा हुआ था रूम्स अवेलेबल करके, तो आप चाहो तो यहाँ पे रुक भी सकते हो। और वहीं दोस्तों ये देखिए, हमारे लेफ्ट साइड में छोटी सी हिल पर स्थित यहाँ के ये बुद्धा का स्टैचू। और अभी दोस्तों ऊपर की तरफ भी जो जाने वाली सड़क है, ये अभी पूरी पक्की सड़क बन गई है। पहले जो पार्किंग था ये नीचे की तरफ ही था, और फिर आपको थोड़ा सा चढ़ के ऊपर जाना होता था, लेकिन अभी इन्होंने ऊपर तक का पूरा रास्ता बना दिया है, और ऊपर काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया भी है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और दोस्तों अभी 4:30 बजे थे, और हम पहुंच गए थे ऊपर की तरफ, जहां से आपको ये खूबसूरत बुद्धा का स्टैचू नज़र आता है। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी पार्क करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत लोकेशन को। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, हमारी गाड़ी आ गई है पार्किंग में, और ये सामने जो आप देख रहे हो ये पूरी डिस्किट मोनेस्ट्री है, और ये 106 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्धा, यानी जिसे कमिंग बुद्धा भी कहा जाता है, उनकी ये मूर्ति है। दरअसल मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की। पहले यहाँ पे 500 रुपीज़ लेके ड्रोन उड़ाने मिलता था, लेकिन अभी उन लोगों ने लिखा है कि एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स अभी यहाँ पे ड्रोन रिस्ट्रिक्टेड है, शायद बॉर्डर एरिया नज़दीक होने की वजह से हो सकता है। और यहाँ पर ये पूरा आपको वैली दिखाई दे रही है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है, पूरा गांव है, और ये पूरे माउंटेन्स, और वो वहाँ से रास्ता है जो आप देख रहे हो, जहाँ से आप लोग आए अभी ऊपर, और ये यहाँ से भी रास्ता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ऊपर की तरफ। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे बाइकर्स भी आए हुए हैं। वाकई में दोस्तों, अगर यहाँ पे ड्रोन उड़ाने मिल जाता ना तो बहुत मज़ा आ जाता, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैंने YouTube से कुछ बेहतरीन ड्रोन शॉट्स निकाले हैं, तो आप उनका आनंद उठाइए और एक्सप्लोर कीजिए इस डिस्किट मोनेस्ट्री को।
तो मुझे यकीन है दोस्तों, ये ड्रोन शॉट्स देख के अभी आपकी भी इच्छा हो गई होगी इस स्टैचू को करीब से देखने की। तो चलिए चलते ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमावदार रास्तों से होते हुए ऊपर की तरफ जाना होगा, तो इससे आप थोड़ा सा थक भी जाओगे। तो यहाँ पर आप चाहो तो जैसे हमने बैठ के आराम किया था, वैसे आराम भी कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ घुमाने वाला नहीं हूँ, मैं साथ ही साथ आपको इस जगह की स्टोरी भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ये मॉनेस्ट्री कब से बनी हुई है, और यहाँ पे ये इतना बड़ा स्टैचू बनाने के पीछे का कारण क्या है, और इसे किसने बनवाया है। तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों मैं इस वीडियो में भी आगे बताने वाला हूँ, तो इसे आप स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये दो लेवल्स पे बना हुआ है। आप जैसे ही कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे तो यहाँ पर आपको इसका पहला लेवल दिख जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से आप इसकी पूरी प्रदक्षिणा कर सकते हो, इस तरह से बनाया गया है। और वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है जो आपको लेके जाती है मेन बुद्धा स्टैचू की तरफ। तो हमने भी दोस्तों यहाँ पर इस परिक्रमा पथ पे आगे जाने का फैसला किया, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे परिक्रमा पथ पे कई सारे प्रेयर व्हील्स को भी लगाया गया है, ताकि आप जब इस परिक्रमा पथ पे आगे बढ़ो तो इन प्रेयर व्हील्स को घुमा के यहाँ के इस पवित्र वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सको। और इस तरह से परिक्रमा करने का दोस्तों हमें एक और फायदा हो रहा था कि परिक्रमा करते करते यहाँ के जो नैसर्गिक सौंदर्य का भी हम आनंद ले रहे थे। दोस्तों परिक्रमा करके अब समय हो चुका था यहाँ के ये शांत मुद्रा में बैठे हुए 106 फीट ऊंचे मैत्रेय बुद्धा के दर्शन करने का। इस खूबसूरत डिस्किट मॉनेस्ट्री की समुद्र तल से ऊंचाई करीबन 10,315 फीट की है, और ये लद्दाख के नुब्रा रीजन की सबसे पुरानी और सबसे ऊंची मॉनेस्ट्रियों में से एक है। और इस मॉनेस्ट्री की स्थापना यहाँ पर चांगजेम सोराब जोम्पो ने करीबन 14वीं सदी में की थी, जो कि लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुकपा सेक्ट यानी कि जिसे येलो हेड सेक्ट भी कहा जाता है, उसके संस्थापक थे। वैसे तो इस मॉनेस्ट्री का सबसे मुख्य आकर्षण यह मैत्रेय बुद्धा की मूर्ति है, जो सुनहरे रंग से बनी हुई है, जो कि नीले आसमान के बीच में बहुत ही शांत और दिव्य नजर आती है। वैसे आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि यहाँ पर इस मूर्ति को बनाने की जरूरत क्यों थी, तो उसके पीछे कारण है दोस्तों। दरअसल यह मूर्ति यहाँ पे बनाने का मुख्य कारण था कि विश्व शांति को और प्रोत्साहन मिले, और ये जो एरिया है यहाँ पर कई सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसी वजह से इस पूरे एरिया में शांति आए, उसी को ध्यान में रखते हुए 2010 में श्री दलाई लामा द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। और तब से लेकर आज तक अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है जिस वजह से इस जगह की शांति भंग हो। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस मूर्ति का जो मुंह है ये सामने शोक वैली में पाकिस्तान की तरफ रखा गया है, और वहीं जब आप इस वैली से सामने की तरफ देखते हो तो आपको यहाँ पर यह पहाड़ी पर मॉनेस्ट्री भी नजर आ जाती है। तो चले दोस्तों मैं आपको इस मॉनेस्ट्री के भी कुछ ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मॉनेस्ट्री कहाँ पर और कैसे स्थित है। और चाहो तो आप इस मॉनेस्ट्री में भी जा सकते हो, यहाँ पर जो आपको नीचे की तरफ सड़क दिख रही है उसी से होते हुए आप नीचे तक आ सकते हो जहाँ पे अभी ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, और फिर वहाँ से आपको चल के ऊपर टॉप तक जाना होता है। तो ये मॉनेस्ट्री अगर आपको पूरी घूमनी है तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, और साथ में साथ आपने उतना स्टेमिना भी चाहिए, क्योंकि ये जो स्थल है ये काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ है, तो जिस वजह से आपकी सांस जो है ये भी बहुत जल्दी फूल जाती है। मॉनेस्ट्री के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे गांव के बच्चों के लिए स्कूल भी है, तो आसपास के जो गांव के बच्चे हैं वो यहीं पर पढ़ाई करने आते हैं। अरे रुकिए रुकिए दोस्तों, अभी ट्रिप खत्म नहीं हुई है। अभी आप ये जो मूर्ति देख रहे हो इसके पीछे की तरफ यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है, तो चले दोस्तों चलते हैं इस मूर्ति के अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। और उसके लिए आपको इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाना होगा। यहाँ पर पहली मंजिल पर ही इसका मंदिर है, तो आपको ज़्यादा ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भीतर प्रवेश करते ही हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर सबसे पहली मूर्ति पर, जो कि थी पद्मसंभव बुद्धा की। और उसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे स्क्रिप्ट्स रखे हुए थे। और उसके आगे दोस्तों और एक बुद्धा की मूर्ति थी जो कि गोल्डन कलर की थी। और वहाँ से जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे और एक मूर्ति थी, और ये मूर्ति थी दोस्तों सोंग खापा जी की,
जो कि इस गेलुकपा सेक्ट के संस्थापक थे, जिसे येलो हेड सेक्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई बैठा होता है, लेकिन अभी कोई था नहीं, तो अभी हम यहाँ से निकल गए थे दोस्तों आगे की तरफ। और अभी हम यहाँ से जाने वाले हुंडर, और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो अंधेरा होने से पहले हमें हुंडर भी पहुँचना है। तो वैसे तो ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज का जो भाग है मैं यहीं तक रखता हूँ। तो दोस्तों अगले भाग में हम आपको हुंडर लेके जाएंगे, और वहाँ पे सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे वहाँ के सैंड ड्यून्स दिखाने के लिए। और वहाँ पे दोस्तों हमारा प्लान है कैंपिंग करने का, तो चलिए देखते हैं वहाँ पे हम कैंपिंग कर पाते हैं क्या नहीं। तो ये जो सारा एडवेंचर है दोस्तों आपको हमारे अगले वीडियो में देखने मिलेगा, तो उसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे आज तक के वीडियो भी पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए हो तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।